हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 गेम प्ले सीरीज। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल GTA 5 गेम प्ले। सो गाइस, जो जो भी चैनल पर न्यू है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सो आज माइकल को जो है ना, वो साइमन ने कॉल किया कि यार मेरे पास बहुत ही लग्जरी गाड़ी आई है, तो माइकल जो है ना वो लेने के लिए जा रहा है आज। तो पहले वो जिमी को ढूंढ रहा था कि जिमी कहीं मिल जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि माइकल के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाइक कार की कलेक्शन है। यहाँ हमारे पास बहुत सारी स्पोर्ट्स कार है, जो पीछे हमारे पास एक स्पोर्ट कार है, इधर हमारे पास मर्सिडीज़ है, सुपरा है, इसके पास बहुत सारी गाड़ीज़ मौजूद है। मस्टैंग वो सामने आप लोग देख सकते हो, ये गाड़ी पता नहीं कौन से वाली है, और ये हमारी मर्सिडीज़ भाई, ये अभी माइकल ने जो है इंपोर्ट करवाई थी दुबई से। और इधर हमारे पास एक और ये स्पोर्ट कार है, ये टेस्ला है। इसके अलावा ये हमारे पास मस्टैंग है, और उधर डाला पाकिस्तानी डाला भी है, लैंड क्रूज़र V8 भाई, बहुत लग्जरी ये गाड़ी है पाकिस्तान में। उसके अलावा ये हमारे पास टोयोटा का डाला भी है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग जो है ना वो 2024 मॉडल भी डाला लेके आएंगे। सो माइकल जो है ना वो कंटेक्ट कर रहा है अपने बंदे से कि उसको जो है ना वो मिल जाए डाला अभी, क्योंकि वो रिलीज़ नहीं हुआ, तो इसलिए जो है ना वो अभी वेट कर रहा है कि जब भी आता है ना तो माइकल उसको ऑर्डर करवा लेगा। सो इधर हम लोग जो है ना वो चलते हैं अपनी गाड़ी लेके V8 में कार डीलर के पास। साइमन अब उम्मीद है कि वो उधर मौजूद हो। सो अभी आप ओ भाई 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 भाई, ये देख सकते हो कि कितनी स्पीड है हमारी गाड़ी में, हमने ऑलरेडी इसको बूस्ट करवाया हुआ है। सो इसका इंटीरियर भी आप लोग देख सकते हो। अरे भाई, इधर तो हमारी गाड़ी ठुक गई है, तो सीधी तरह चला लेते हैं इधर हम लोग। सो चलते हैं आप लोग। यार सिटी में देखो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, पता नहीं किधर गया सारे, बस हमारी गाड़ी चल रही है फ़िलहाल। सो चलो खैर है, आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इधर चलते हैं हम लोग कार डीलर के पास। अरे भाई, दो गाड़ियाँ अब तो नज़र आई है, चलो इतना तो है कि हम लोग अकेले नहीं सिटी में घूम रहे। सो चलते हैं कार डीलर के पास। तो चैनल पे जो जो भी नया है, काइंडली लाइक कर देना सो अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और अपना कमेंट लाजमी करो कि आप लोग किस चीज़ पे किस तरह का कंटेंट चाहते हो, किस तरह की स्टोरी मॉडल चाहते हो, मैं उस तरह की लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो इधर हमारी ड्रिफ्टिंग थोड़ी सी स्टाइलिश वाली स्टाइल में जो है ना हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। सो इधर हम लोग आ चुके हैं साइमन की शॉप पर। तो ये क्या भाई, ये तो सारी खाली नज़र आ रही है, कोई बाहर भी गाड़ी नहीं खड़ी और अंदर भी कोई मौजूद नहीं है। चलो जाके देखते हैं, इधर हम लोग पार्क कर लेते हैं अपनी गाड़ी को। सो देखते हैं कौन है अंदर। इधर बंदे भी आए थे, ऑलरेडी उसके कस्टमर वेट तो कर रहे हैं। भाई साइमन ने अभी तक अपनी शॉप को जो है ना वो अपग्रेड नहीं करवाया। सो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि साइमन मौजूद भी है कि नहीं। सो अभी तो फ़िलहाल इधर कोई नज़र आ तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि शायद साइमन अंदर मौजूद हो, देन फिर वो कॉल करे अपने बंदे को और ले कर आए गाड़ी। सो इधर तो फ़िलहाल कोई भी नहीं मौजूद है। सो अभी फिर हम लोग क्या करें। तो अच्छा यही है कि हम लोग तब तक के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, अपने लिए कुछ ड्रेस वेस ले लेते हैं, देन फिर हम लोग जो है ना वो साइमन को गेन कॉल करेंगे कि वो आया है कि नहीं दुकान पे। यार बहुत बहुत ढीला बंदा है ये, इसने कैसे तरक्की करनी है, इतना लेट तो शॉप पे आता है। सो चलते हैं आगे, अपने लिए ड्रेसेस लेते हैं। माइकल के पास बहुत देर हो गई इसको शॉपिंग की है अपने लिए। सो इधर हम लोग आ जाते हैं अपनी शॉपिंग वाली शॉप पे। सो इधर ऑलरेडी जो है ना कस्टमर मौजूद हैं। सो देखते हैं इधर से हमें क्या क्या मिलता है अंदर से। तो इतनी कोई लग्जरी शॉप तो लग नहीं रही, लेकिन जो करीब में पड़ी मैंने कहा इधर से देख लेते हैं क्या मिलता हमें। अरे भाई क्या कर रहा तू। सो इधर हम लोग जो है ना वो अंदर आ चुके हैं। सो लेडीज़ हमें जो है ना वो ड्रेसेस अपने लिए दिखाओ। तो इधर मुझे जो है ना ये जीन्स की जो है ना वो अपर अच्छी लगती है, और इधर इनके पास तो भाई पैंट ही नहीं है यार, सारे इन्होंने ट्राउज़र रखे हैं और कच्चे वगैरह रखे हैं। इसका क्या करना है यार, क्या कोई कॉम्बिनेशन है इनके पास, सारे इन्होंने टी शर्ट्स और बाकी कच्चे वगैरह रखे हैं, तो इसका मैं मज़ा नहीं आ रहा था। देन इधर मैं सोचता हूँ कोई कच्चा वगैरह अपने लिए ले लो, जाते जाते अब आए तो हैं, तो रेड वाला मुझे अच्छा लग रहा था, ये मैं ले लेता हूँ। देन फिर ग्लासेस भी नज़र आ जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ ग्लासेस को देखो अच्छे लिए। तो आप बताओ कि कौन सी वाली अच्छी है कमेंट में लाजमी। तो इधर जो है ना मुझे जो सेलेक्ट किया वही अच्छी लग रही थी। सो चलते हैं अब पैंट खरीदने के लिए, क्योंकि ऐसे तो कार्ड लेने जाना है यार, तो इस तरह हम जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो चलते हैं दूसरी शॉप पर जहाँ से हमें पैंट वगैरह मिल जाए। तो जल्दी जल्दी से जो जो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं लाइक लाजमी कर दे। सो आप लोग अपनी कोई फेवरेट गाड़ी दिखाओ, बताओ कि आप लोग को कौन सी गाड़ी पसंद आता है, हम लोग वो वाली गाड़ी लेके आएंगे। सो इधर हम लोग जो है ना वो सेकंड शॉप पे आ चुके हैं।
तो इधर देखते हैं, काफी बड़ा माल लग रहा है, तो इधर देखते हैं हमें मिलती है पेंट के नहीं। तो इधर हम लोग जो है ना अपनी गाड़ी को छांव में पार्क कर लेते हैं एंड देन चलते हैं अंदर हम लोग भाई अपनी पैंट लेने हैं। माइकल अजीब ही लग रहा है भाई, देखो आप लोग के कच्छा और ऊपर कोट पहना हुआ है। सो ये मैंने नाम नहीं पढ़ा इसका कि कौन सी शॉप थी, लेकिन चलो देखते हैं इधर हमें मिलता क्या क्या है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लग रही इधर। तो पहले टकलू से मिल लाते हैं, हेलो टकलू। तो ये तो खैर मौकअप पड़े हुए हैं। देन इधर देखते हैं, अरे यार ये पैंट तो मिल गया, लेकिन ये भी आई थिंक शॉर्ट्स ही हैं, पैंट नहीं है, ट्राउज़र टाइप इन्हें रखे हैं। तो लेकिन ये अच्छे नहीं लगे, लेकिन कुछ ले लेते हैं, ना लेने से तो बेहतर कुछ ले लें। तो ग्रे वाला हम लोग ने ले लिया। उसके अलावा इधर हमें पैंट, फाइनली पैंट मिल चुकी है। तो अब देखते हैं कौन सी वाली अच्छी पैंट लगती है इधर। सो वाइट भी अच्छी लग रही है कलर के हिसाब से, ग्रे भी अच्छी है, लेकिन हम लोग दोनों ले लेते हैं, वाइट भी और ग्रे भी। तो वाइट मैंने जो है ना इधर सेलेक्ट कर लिया है। सो इधर हम लोग ने अपनी शॉपिंग कर ली है, चेक वेक कर लिया कपड़े पहन के, पूरी वेस्ट वेस्ट वगैरह चेक कर लिया। सो थैंक यू लेडी। तो भाई भाई मौसम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। सो जल्दी से चलो अपनी गाड़ी में। तो इधर हम लोग जो है ना अपने घर वापस चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बारिश में तो साइमन आएगा नहीं, धूप में नहीं आया तो बारिश में कहाँ आना है साइमन ने। तो इधर हम लोग जो है ना चलते हैं वापस घर। अरे भाई साइड हो जाए ना, कहाँ बीच में चल रहा है, बारिश में भी सुकून नहीं है भाई, लोगों को नहा रहा है ठंड में। तो इधर हम लोग जो है ना अपने घर की तरफ वापस चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर वेट करते हैं। जैसे ही साइमन की कॉल आती है देन हम लोग जो है ना वो कार ले चलते हैं। बहुत ही लग्जरी कार वो कह रहा था कि आई हुई है मेरे पास, तो इस वजह से अब हमें वो लेनी भी है ताकि वो सेल ना हो जाए। तो तब तक आप जो है ना वो शश के देखें लैंड क्रूजर के अंदर से, भाई बारिश बहुत अच्छा सीन लग रहा है। सो गाड़ी के अंदर से सीन तो और ही होता है, लेकिन गाड़ी के बाहर और ही कुछ सीन लगता है। सो इधर हम लोग ऑलमोस्ट अपने घर के पास आ चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने घर और देखते हैं जाके अंदर क्या चल रहा है घर के, बारिश में कोई फोरिश पड़े तल रहे कि नहीं, क्योंकि अभी तो गाड़ी वाला साइमन तो आया नहीं है। तो तब तक के लिए हम लोग कुछ खा पी लेते हैं देन फिर चलते हैं साइमन के पास। हमारी सारी गाड़ियाँ भी गीली हो चुकी है यार, तो अब हमें वेट तो करना पड़ेगा तब तक जब तक साइमन नहीं आ जाता। ये हमारे पास देखो भाई सब लैम्बर्गिनी भी पड़ी हुई है भाई, ये हमने ऑलरेडी सारी गाड़ी ऑलमोस्ट जो स्पोर्ट्स कार है, फेमस फेमस कार जो है ना वो हमने ऑलरेडी खरीद ली हुई है। लेकिन वो कह रहा था कि मेरे पास इससे भी बढ़ के कोई चीज़ आई है जो स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे यूज़ होती है, तो वो लेके आए हैं। तो अभी हम इधर थोड़ी देर जो है ना वो कुछ पी लेते हैं। अरे यार ये क्या स्पाइडर स्पाइडर बोतल, वाह भाई साइमन ने, ये माइकल ने सॉरी स्पाइडर बोतल रखी है पीने के लिए, वाह भाई वाह है भाई। सो इधर एक और ग्लास हम लोग पी लेते हैं, ज़रा ठंड वंड हो गई है, ज़रा गर्म हो जाए सर माइकल भी। तो एक और ग्लास हम लोग ले लेते हैं, ज़्यादा पिया तो फिर जो कहीं सो ही ना जाए, फिर हमने कार भी तो लेने जाना है, ज़्यादा नहीं पीनी। सो बहुत है इतनी आज के लिए। सो चलते हैं हम लोग थोड़ी देर जो है ना वो टीवी शीवी देखते हैं, और देन जब बारिश रुकती है तो दोबारा साइमन को कॉल करके पूछते हैं कि गाड़ी आई है कि नहीं। सो इधर हम लोग जो है ना वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। टीवी मेरे ख्याल से लाइट तो थोड़ी, बारिश तो हो रही है, टीवी नहीं चलेगा। सो इधर हम लोग बाहर जाके दोबारा मौसम चेक कर लेते हैं कि सही हुआ नहीं, तो अगर तो ठीक होगा देन साइमन को कॉल करते हैं। इधर धूप तो थोड़ी नज़र आ रही है, चेक करते हैं मौसम कैसा भाई। तो भाई साहब इधर हमारे पंजाबी में कहते हैं काना बदल, धूप भी है साथ में बारिश भी हो रही है। सो अभी भी हमें वेट करना पड़ेगा, देन हम लोग चलते हैं साइमन के पास। तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं अंदर, क्योंकि साइमन तो बारिश में आने नहीं वाला और उसने शॉप ओपन करनी नहीं है, घर बैठ के पकौड़े शकोड़े खा रहा होगा। सो हम भी थोड़ी देर इधर वेट करते हैं, बाकी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं। फैमिली हमारी कहाँ है, कोई नज़र तो आ नहीं रहा यार, ना इधर उसकी माइकल की वाइफ नज़र आ रही है, ना जिमी नज़र आ रहा, पता नहीं कहाँ चले गए सारे। सो अभी हम लोग जो है ना फिर खुद ही वेट कर लेते हैं इधर बैठ के। बाहर तो अभी बहुत बारिश वगैरह हो रही है, लेकिन फ़ायदा नहीं बाहर जाने का अभी। सो हम लोग इधर जो है ना वो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर और, देन फिर हम लोग चलेंगे गाड़ी लेने। सो
इधर जो है ना वो माइकल टीवी देख रहा होता है, तो लगता है मौसम सही हो गया हुआ है। सो हम लोग चलते हैं अब चेक करते हैं, साइमन आ चुका है शॉप पे कि नहीं। सो अभी बाहर जाके मौसम देखते हैं अच्छा है कि नहीं। अभी तक टीवी तो चलने लग गया है, मतलब कि मौसम अच्छा हो चुका है। साइमन आई थिंक आ जाए अब मौसम अच्छा है तो बाहर किरने तो नज़र आ रही है, लगता है मौसम क्लियर हो चुका है। सो चलते हैं अब हम लोग, करते हैं साइमन को कॉल। मौसम तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुका है। सो साइमन को करता हूँ कॉल कि यार शॉप पे आया कि नहीं। सो इधर हम लोग साइमन को कॉल कर लेते हैं। सो साइमन कह रहा है कि वो शॉप पे आ चुका है, तो हम लोग इधर चलते हैं अपनी V8 लेके भाई साहब साइमन की शॉप पे। सो मौसम तो काफ़ी ज़्यादा कूल हो गया यार, मतलब फुल क्लियर क्लियर हो गया। सो इधर हम लोग अपनी V8 लेके चलते हैं जल्दी से साइमन के पास। तो इधर आप लोग हमारी V8 की स्पीड चेक कर सकते हो। तो सिटी में आई थिंक कोई रोला हो गया, पुलिस वाले जो है ना किसी को पकड़े। सो कब तक आएगी यार साइमन की शॉप, इतनी दूर हो गई है हमसे। तो साइमन की शॉप तो जल्दी 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 पहुँच जाए बस साइमन की शॉप पे। तो इधर काफ़ी लोग भी अब बाहर निकलना स्टार्ट हो गया, मौसम क्लियर हो गया, लोग बहुत से आने हैं यार कि जब उनको पता होता है मौसम ख़राब है तो फिर निकलते नहीं है भाई। तो मुझे भी आइडिया नहीं हुआ कि यार मौसम शायद ख़राब है इसलिए फिर साइमन ने नहीं आना है, उसको भी पता लग गया हुआ था कि मौसम ख़राब आ रहा है भाई, इधर ड्रिफ्टिंग चेक कर रहे हो भाई की। तो साइमन की शॉप आई थिंक थोड़ी ही दूर रह गई है। सो जल्दी से हम लोग चलते हैं शॉपिंग साइमन की शॉप पे। तो इधर हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना पहुँच चुके हैं साइमन की शॉप पर, और ये भाई फाइनली साइमन की शॉप आ चुकी है। सो अरे 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 भाई इतनी ज़्यादा गाड़ी, वो सारी लग्जरी गाड़ी इधर मौजूद है। सो देखते हैं उसने हमारे लिए कौन सी गाड़ी रखी हुई है। तो लोग भी यहाँ जमे हैं ऑलरेडी, आई थिंक कोई अंदर गाड़ी स्पेशल खड़ी है। सो ये ब्लैक सी कुछ नज़र आ रही है और साइमन भी पास में खड़ा है। तो चलते हैं साइमन के पास। तो क्या कहता साइमन हमें? हाँ माइकल, क्या हाल है भाई, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था। यार ये कौन सी मॉडल है, कौन सी गाड़ी है भाई, कुछ अच्छी सी लग रही है, मतलब इसका पेंट वेंट आप लोग देख सकते हो, कुछ मल्टी शेड इसने पेंट रखा हुआ है। लेकिन ये क्या सीन कि टू सीटर है यार, ये तो स्पोर्ट गाड़ी लग रही है कोई, तो मतलब रेस वेस के लिए। सो ये नाम क्या है, फ्रिस्टर? हाँ माइकल, कैसी लगी है तुझे गाड़ी? यार गाड़ी तो अच्छी है लेकिन ये है तो टू सीटर यार। अरे यार क्या हो गया, टू सीटर लेकिन है वो स्पीड वाली है, तेरे लिए स्पेशल मैंने मंगवाई है। चलो यार मैं लेके आता हूँ पैसे फिर, ये मेरे नाम कर दो तुम गाड़ी। तो चलते हैं हम लोग अपने जो है ना गाड़ी से पैसे लेने चलते हैं और ला के जो है ना इसके मुंह पे मारते हैं। यार ये क्या टू सीटर गाड़ी हमें दी है, लेकिन फिर भी अब इसको चला के चेक करते हैं कि ठीक है नहीं। इससे तो अच्छी हमारे पास ऑलरेडी इधर घर में मौजूद है, लेकिन चलो उसने इतने मतलब हमें कहा तो हम लोग भी ख़रीद लेते हैं। सो इधर हम लोग जो है ना वो अपना ब्रीफ केस ले के चलते हैं साइमन के पास, तो उससे डील शील करवाते हैं और गाड़ी को जो है ना वो अपने नाम करवाते हैं। तो साइमन यार ये गाड़ी जो है ना वो हमारे नाम कर दो, अब तुमने इतना कहा तो हम लोग ख़रीद लेते हैं इसको। ओ हाँ यार माइकल, तो शुक्रिया तूने जो है ना वो मेरी बात का मान रखा। सो इसको जो है ना साइमन इसको हमारे नाम कर दो। तो इधर जो है ना वो साइमन इसको जो है ना हमारे नाम कर देता है। सो फाइनली जो है ना वो गाड़ी हमारे नाम हो चुकी है। सो चलते हैं इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। तो ये लो आप लोग देख सकते हो कि ये माइकल के नाम हो चुकी है। तो गाड़ी तो ठीक है यार, इसके रिंग शिम वगैरह जो है ना वो अच्छे लग रहे हैं। अब इसको जो है ना हमें लेके जाना पड़ेगा अपग्रेड करवाने के लिए, तो वो हम लोग बैनी की शॉप पे जाएंगे जब वो ओपन करता है, देन फिर इसको जो है ना हम लोग अपग्रेड करवाएंगे। बस इसका इंटीरियर आप लोग देख सकते हो, स्पोर्ट गाड़ी वाला। अरे भाई स्पीड चेक करो आप लोग। सो इस वक्त चला के जो है ना वो चेक करते हैं कि किस तरह के भाई गाड़ी, इसको बाइड अब कहाँ से निकालना है यार। अरे भाई चेक कर सकते हो इसके इसके स्पॉयलर, इसके भाई सब स्प्रे वगैरह कैसी लगी है। अब इसको चला के चेक करते हैं, देन फिर देखते हैं कि इसकी स्पीड अच्छी है कि नहीं। सो आई थिंक हाँ ये पीछे को रखा है इसने यार, मैकेनिक रूम भी रखा हुआ है। चलो हम लोग इसी से आके जो है ना वो रिपेयर वगैरह करवा लिया करेंगे गाड़ी को। सो इधर से हम लोग गाड़ी को निकालते हैं बाहर। अरे इसने बाहर भी स्पोर्ट गाड़ी लगाई यार, इसके पास कितनी गाड़ी लगता है इसकी, इसको ना लूटना पड़ना है अब हमें।
नहीं तो ये तो सिटी में बहुत अमीर बंदा लग रहा है जितनी इसने स्पोर्ट गाड़ी रख ली है। इसके पास से सारी गाड़ियाँ हमें चोरी करनी पड़ेंगी। सो इधर हम लोग अपनी जो गाड़ी खरीदे, इसका नाम क्या रखे आप लोग बताओ, इसका नाम क्या रखे? ये बहुत अजीब सा नाम है इसकी गाड़ी का, तो इसका नाम हम लोग ब्लैक बेरी रख लेते हैं। आप लोग बताओ कमेंट में क्या होना चाहिए, क्योंकि सारी तो ब्लैक लग रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा इसका नाम ब्लैक बेरी रख लेते हैं हम लोग। थोड़ा रेडिश सा इसमें जो है ना उन्होंने शेड डाला हुआ है, लेकिन फिर भी ब्लैक बेरी वगैरह ठीक है, फिर भी नाम मिलता जुलता है इसके, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी तो इसने ब्लैक अपने आप को किया हुआ है। सो इधर आप लोग देख सकते हो इसकी स्पीड भाई ऑलमोस्ट 200 के करीब करीब जा रही है, लेकिन हम लोग इसको, अरे 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 अरे, इसको हम लोग जो है ना वो बूस्ट करवा के 400 लेके जाएंगे भाई, 400। ओ भाई क्या स्पीड होगी तब। सो अभी जब बैनी की इसके शॉप ओपन होगी देन हम लोग इसको अपग्रेड करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हम लोग आराम से गढ़ लेके जाते हैं टून। अरे यार बाइक वाला देख के चला ही नहीं सकता। सो ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना अपने घर के पास आ चुके हैं। सो इसको भी कार कलेक्शन में जमा कर लेते हैं, देन फिर हमें यार गराज बनाना पड़ेगा अपनी गाड़ियों को खड़ा करने के लिए। माइकल के पास अब इतनी जगह नहीं बची कि वो गाड़ियों को खड़ा कर सके, क्योंकि ऑलमोस्ट उसके पास 5 से 7 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। सो इधर हम लोग जो है ना अपने घर के पास आ चुके हैं, तो चलते हैं इसको भी खड़ा करने के लिए, कोई जगह ढूंढते हैं। यार इधर तो ऑलमोस्ट सारी जगह फुल है, अब इसको खड़ा कहाँ करें। सो अभी तक चैनल पे जो भी मौजूद है काइंडली लाइक कर लेना। सो इधर हम लोग जो है ना इसके खड़े होने की जगह देखते हैं कौन सी वाली अच्छी जगह है। सो आई थिंक इसको ना इधर वाली जगह पे प्लेस कर लेते हैं, यहाँ ज़रा थोड़ी देर के लिए इसको खड़ा कर लेते हैं, देन फिर इसकी जो है ना प्रॉपर स्पेस हम लोग देखेंगे कि कहाँ इसको खड़ा करना है। सो यार एवरेज गाड़ी है, लेकिन ठीक है फिर भी, चलो उसने हमारे लिए इतना कहा कि यार गाड़ी मंगवाई है स्पेशल उसने हमारे लिए, तो हमारा फर्स्ट था लेना। सो इससे तो हमारे पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है इधर, लंबरगिनी मौजूद है, मर्सिडीज़ है, मस्टैंग, इससे भी मुझे तो अच्छी लगी है वो वाली गाड़ियाँ, लेकिन खैर उसने एक गिफ्ट के लिए बुलाया था हमें तो हमने ले लिया। बाकी हमारे पास सारी गाड़ियाँ तो सुपर गाड़ियाँ मौजूद हैं। सो चैनल पे जो जो भी नए हैं लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।